जिले के सूरजपोल इलाके में शुक्रवार को दो छात्रों के बीच चाकूबाजी का मामला सामने आया। इस चाकूबाजी की घटना में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं छात्र पर हमले की जानकारी मिलते ही आक्रोशित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान कई गाड़ियों में आगजनी की घटना भी देखने को मिली। दरअसल शुक्रवार को उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में दो स्कूली छात्रों के बीच में आपस में कहासुनी हुई। इसी बीच चाकूबाजी की घटना भी सामने आई। चाकूबाजी की इस घटना में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल स्कूली छात्र देवराज को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ छात्र पर चाकू से हमला करने की घटना की सूचना जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त हो गया। देखते ही देखते हजारों की तादाद में हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता एमबी अस्पताल की इमरजेंसी गेट पर पहुंच गए। यहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की। घटना के दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं के द्वारा कई गाड़ियों में आग भी लगा दी गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। मामले में प्रदर्शन को बढ़ता देख शहर में धारा 144 कर दी गई है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने लोगों से किसी भी अफवाह या बहकावे में न आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घायल छात्र का इलाज बेस्ट डॉक्टर की टीम कर रही है।